कोई बाबा जगली माले ना बेबी स्मोक गुलाब वाली रेगुलर सेव है। हाँ हाँ, ये लहसुन पालक है, ये लाल मिर्च का, ये नींबू मरी, ओके, और ये पोक वड़ा बराबर जो यहाँ का मेन फेमस है। पोक समोसा, पोक समोसा भी आता है। हाँ, अरे यार पीटीस सही है यार। और ये उसकी चटनी, फ्रेंड्स है पूरी पोक नगरी है जो सूरत की एक कोई ना फेमस चीज़ उसमें से एक है। ढेर सारी यहाँ स्टॉल है पोक वड़ा के, जो ए लाइन है यहाँ सब पोक वड़ा मिलता है, और ए साइड का पूरी लाइन में ग्रीन पोक जो लीला पोक बोलते हैं ग्रीन वो मिलता है। देखिए चलो 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 अभी जाओ। देखिए यार कस्टमर को एकदम प्यार से बुलाते हैं और टेस्ट करवाते हैं। और पेटीस वाला समोसा बड्डी आइटम मल जावो अटकेला मरी जापानी चोको वस्तु जावो भाई अपना समोसा पोकनी पेटीस बड्डी आइटम मल से भाई मोटा। और सर असेट और सर बाबा ताजा माल वडेल असेट ओ बेन आवा बेना सबसे बड़ा स्टॉल यहाँ पे है पूरी जगह जो एरिया वाइज देखते हैं ना। और टेस्ट सबका अच्छा है यार, कोई ऐसा हम नहीं बोल सकते इसका अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक गज्जर और मेरे चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स अभी हम आए सूरत की पोक नगरी में जो यहां कम से कम बहुत पुरानी है और कैसे वो मेकिंग करते हैं। साउथ गुजरात में जो अभी ये आइटम है ना सिर्फ साउथ गुजरात में मिलती है, उसमें भी सूरत में, क्योंकि इसका जो एटमोसफियर होता है ना जो पोक बनता है ना वो मतलब उसके एटमोसफियर के हिसाब से होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं वो कैसे मेकिंग करते हैं और उनके ढेर सारे लोग यहाँ पे हम सबको मिलते हैं। तो साईं आनंद पोक वड़ा, तो नमस्कार सर। हाँ, क्या नाम है आपका? केतन भंडारी। केतन भाई, तो कितने साल से ये पोक नगरी कितने साल से होती बनती है उसके बारे में बताइए आप हमें। पोक नगरी को अभी 70 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, इसको सूरत का इतिहास माना जाता है। मैं पोक के आइटम में क्या क्या बनाते हैं? पोक समोसा आता है, पोक पेटीस आता है, पोक वड़ा, ओके, पोक का भरेला मिर्ची, हाँ, कचौरी, पोक कचौरी। ये क्या बन रहा है? ये लहसुन की सेव बन रहा है। अच्छा, तो कैसे मेकिंग करते हैं? चावल के आटे से बनी जाती है। अच्छा, और उसमें लहसुन और पालक का पानी डाला जाता है। अच्छा, और आता है इसमें एक नींबू मरी आता है, हरा लहसुन पालक आता है, लाल मिर्च आता है और प्लांट सेव आता है। ये सर्दियों के मौसम में साल में 2 महीने के लिए आता है। सिर्फ 2 महीने के लिए? हाँ, 2-2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा। उसको सर्दियों में खाने का मजा आता है, गर्मा गर्म पूरा। हाँ, पोक वड़ा बनेगा। ओके, इसमें क्या क्या डाला हुआ होता है? इसमें चने की दाल का लोट आता है, ओके, लहसुन मिर्च प्याज चीनी नमक। तो पहले हम सेव का देख लेते हैं फिर उसके आगे देखेंगे। टेस्ट तो बढ़िया है लेकिन उसका कलर भी आप देखो यार कितना अच्छा है। देखिए अभी ये पोक के लिए जो उसका रॉ मटेरियल है अभी पोक वड़ा बनेगा। आप फ्राई बना के 2 बार मतलब उसको फ्राई करना पड़ेगा सर? ये सिंगल फ्राई होता है। अच्छा, तो बताइए ना सर, केतन भाई ना आपका नाम? हाँ केतन भाई, बनाइए बताइए हमें कैसे मेकिंग करते हैं।
ऐसे रहेगा। हाँ ये सिंगल फ्राई है, उसको एक बार दूसरी बार एक बार फ्राई करना पड़ेगा। ओके। ये कच्चा वड़ा है, एक बार पार्सल के बाहर गांव ले जाने के लिए होता है। अच्छा। और दो दिन तक विदाउट फ्रिज रहता है। दो दिन तक चलता है? हाँ, विदाउट फ्रिज। फ्रिज में रखोगे तो एक हफ्ता भी रहता है। अच्छा। हाँ, लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा। ओके। केतन भाई कौन सी सेव है? ये ब्लैक पेपर लेमन, नींबू मरी कहते हैं। नींबू मरी स्मोकी स्पेशलिटी है, साल में ये दो महीने के लिए बनती है। ओके। पूरे साल में। बराबर। और ये कौन सा फ्लेवर है? ये रेड चिली है, लाल मिर्च। लाल मिर्च। हाँ। ओके। और वो प्लान वाला है तो रेगुलर बनाते हैं। रेगुलर पूरा साल मिलती है। और अभी जो हमने बनाते देखा वो लहसुन की, लहसुन पालक। बराबर। ये भी सीजनली है, साल में दो महीने के लिए बनती है। लहसुन पालक दोनों मिक्स है क्या? हाँ, दोनों मिक्स। अच्छा। और ये पेटीज है पोगनगर की। अच्छा, चेन और जो बोलते हैं फरार के लिए। हाँ। पास्ट के लिए ही ये चलेगा ना? ज्यादातर लोग इसको खाना पसंद करते हैं, पोगनगर पोग पेटीज। देखो फ्रेंड्स कितना बड़ा स्टॉल है। अभी क्या हम सुबह में शूट के लिए आए तो थोड़ा प्राइवेसी भी रहे, बहुत बड़ा है। सुबह 7-8 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात को 11 बजे तक रहता है, 10-11 बजे तक। हमने टेस्ट के लिए सभी चीज थोड़ी थोड़ी मंगवाई है तो चलिए टेस्ट करते हैं। हमारे साथ अभी ये शॉप के ओनर है केतन भाई। तो केतन भाई आपने जो बताया था ये रेगुलर सेव है ना? हाँ, रेगुलर सेव है। हाँ हाँ। ये लहसुन पालक है, ये लाल मिर्च का, ये नींबू मरी। ओके। और ये पोक वड़ा। बराबर, जो यहाँ का मेन फेमस। हाँ, है पोक समोसा। पोक समोसा भी आता है? हाँ। अरे यार, पेटीज। सही है यार। और ये उसकी चटनी। तो ये भी पोक के ही बनती है? नहीं, चटनी पोक की, धनिया की, हरा धनिया। ओके। और मुझे भी मतलब सूरत में हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं, समझिए ना 20-22 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो हर साल यहाँ पे नहीं आए ऐसा कोई भी साल या मंथ वीक नहीं गया, मतलब रेगुलर आते हैं हम यहाँ पे। और पहले हम पोक से ही स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यार, थोड़ा नज़दीक लाइए कैमरा, देखिए यार एकदम गरम गरम। और ये सिर्फ 2 महीने विंटर के लिए, 2 महीने में ही मिलता है। और देखिए उसकी मस्त चटनी यार। तो पहला बाइट आपके लिए, हमारे सभी सब्सक्राइब और व्यूअर के लिए। टेस्ट बहुत ही बढ़िया यार, हमें तो यार खाना पता ही है, एकदम यूनिक स्पाइसी और एकदम क्रंची है। इसका जो स्वाद है ना, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते भाई, इसका स्वाद ऐसा है वैसा नहीं, यूनिक है और सिर्फ सूरत में मिलता है। अगर आपको पार्सल मंगवाना है केतन भाई, कहीं अगर अलग सिटी से पार्सल मंगवाना है तो मंगवा सकते हैं? मंगवा सकते हैं ना, हाफ फ्राई भेजना पड़ता है। अच्छा, हाफ फ्राई आप यहाँ के घर के पार्सल भेज देंगे और वहाँ घर पे टलना पड़ता है। अच्छा, जब सेकंड टाइम जब खाना हो तब करते हैं। कितने दिन अच्छा रहता है ये? विदाउट फ्रिज 2 या 3 दिन रहता है, फ्रिज में रखोगे तो पूरा हफ्ता रहता है। एक हफ्ता रहता है? हाँ, हफ्ते के ऊपर। देखो यार अलग बहुत बढ़िया है। तो ये कौन सी है? नींबू मरी, ब्लैक नींबू मरी है ना। इनके साथ और कुछ खा सकते हैं क्या? सिर्फ पोक आता है, पोक पोक आता है। अभी पोक है आपके पास? नहीं, ग्रीन पोक, पोक, पोक नहीं है। अच्छा, फ्लेवर वाइज अलग अलग है, सबका टेस्ट बढ़िया है, एकदम स्पाइसी है। मतलब लेमन मरी के साथ है। और ए लाल मिर्च, लाल मिर्च। देखिए फ्रेंड्स यार, कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये भी पोक पेटीज, पोक पेटीज है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के जो ओनर है ना केतन भाई, नेचर बहुत ही बढ़िया है, एकदम प्यार से खिलाते हैं। अनलिमिटेड आप चटनी मांगो और कुछ भी आपको चाहिए
तो सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ का फेमस है। कोक नगरी में आप कहीं भी चले जाओ, सबका रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, और खिलाते भी बहुत अच्छे हैं, और टेस्ट एक से एक बढ़िया है सबका। स्वामीनारायण पेटिस हम ही बनाते हैं, आप ही बनाते हैं? अच्छा, पूरे बाजार में। थोड़ा स्वीट लग रहा है, थोड़ा टेस्ट स्वीट जैसा है। और इसमें क्या क्या आता है केतन भाई? नारियल आता है, पापड़ी अच्छा। आता है, और हमारा मसाला पोंक। और समोसा में क्या क्या आइटम आपने डाली है? दाल, प्याज, पोंक। इसमें भी पोंक ही है? पोंक का ही बनता है, मतलब पोंक नगरी, और यहाँ सब चीज पोंक की मिलेगी हमें। ये है स्पाइसी यार, पेटिस थोड़ा स्वीट रहता है। पेटिस स्वीट है, ये दोनों चीज थोड़ा स्पाइसी है, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। सूरत में आओ, और जब विंटर सीजन चल रही है तो पोक नगरी में आप आना ही, कुछ भी हो जाए थोड़ा सा टाइम लेके एक घंटे का यहाँ आना ही। ये पूरा एड्रेस समझा दीजिए ना केतन भाई, यहाँ का। सूरत में अगर कोई अलग सिटी से आ रहा है तो उसको कहाँ से कैसे आ सकते हैं? नई पोंक नगरी, सरडा ब्रिज के नीचे, स्वामीना मंदिर के सामने। ओके, अडाजन। अडाजन सूरत? सूरत। तो यहाँ से डायरेक्ट ऑटो या सब मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। आप नई पोंक नगरी बोलोगे तो सीधा आपको इधर छोड़ेगा। और मैं आपका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अगर किसी को नहीं कुछ समझ में आया तो आप समझा देना। और फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना, उसको सजेशन हो तो आप कमेंट में सजेस्ट करना। और थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।